घिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। हालांकि पुलिस ये मान रही है कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी सरकार ही खोटी। उन्नाव कांड का सच क्या है? उन्नाव की दो बेटियों को किसने मारा? उन्नाव में दो लड़कियों की संदिग्ध मौत यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अब पुलिस वारदात की जगह का कोना कोना तलाश रही है जिससे कोई सबूत तो मिले। मंगलवार को उन्नाव के बाबूराहा गांव के खेतों में 3 लड़कियां मिली थी, जिसमें से 2 नाबालिग लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक की हालत नाजुक है जिसका कानपुर में इलाज चल रहा है। लड़कियों को सबसे पहले उनके पिता ने देखा था। पिता ने बताया कि जब वो मिली तो उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके मुंह से झाग भी निकल रहा था। एक लड़की की मेरी ऐसा था गिट्टी पाचे लगी थे हाथ ऐसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की बात सामने आई है। पुलिस को शक है कि हत्या ऑनर किलिंग से जुड़ी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। वहां सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और अभी जो परिजन बता रहे हैं उस लाइन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उधर इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार को नजरबंद करने का आरोप लगाया है तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अभिशाप बन चुकी है, एक अभिशाप बन चुकी है पूरी बेटियों के लिए। लगातार इस तरह की घटनाएं, अपराधियों में डर खत्म हो चुका है, ये घटना एक ताजा उदाहरण वापिस हम सबके सामने है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कहानी देखिए, आदित्यनाथ के राज में कोई भी जुर्म हो, कोई भी अपराध हो, कोई भी गुंडागर्दी हो, उसका एक नया फॉर्मूला पुलिस लेके आ जाती है, एक नई कहानी गढ़ने लगती है। ABP News आपको रखे आगे।